खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए जिठे मन धीरिय किल विखवैयन दूरे सो क्यों विसरे माओ में जो रे आभर भोरे सो क्यों विसरे माओ में जो रे आभर भोरे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी श्री अंगद को सौपन करे निकुट जी नर रह सद परे नित परत खर्चे वृद्धता लहे दारद जन्म मरण को दहे परम सम्मान आवर साहिब कमाल बारगाह इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिब सहाबा ज्योत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी सात संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साढ़े सारयां दे सिर ते मरहमतमई रखे हाथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन दी जो नवे जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरण कमलां दी खाक दे नाम करना नसीब होया सतगुरु जी दी यथा अनुकंपा दा सदका साहिब जी ने अनुग्रहित करदे होए सानू अपने चरण कमलां दीआं हाजरियां बख्शिश कीतियां हन सोदर चौंकी दे कीर्तन रहरास आरती अरदास ते फिर महाराज जी दे पावन हुक्मनामे आपने झोली च पाए ने कुछ समा होर साहिब कमाल मेरियां पीरियां दे दाते दल पंजन गुरसूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी सेवें गुरु नानक देव जी दियां अमृत जीवन गाथावां प्रेम सहित श्रवण कर सकीए एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी पर रहे हो पेस्तर छोटी जी ध्यान साधना है दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे
दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे पावन चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जी ने मेर भरिया हथ साढ़े सिर ते रखिया होया है। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वक्री करदिआं चरण चुमदिआं होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक विश्व भर में तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब तो गुरु का इतिहास सरवण करदिआं इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने तन तन बाबा बुढ़ा जी नूं आखिया तुसी तां गुरु नानक देव जी दे नाल रहे ये वड्याई बाबा बुढ़ा जी दी गुरु अमरदास भी करदे रहे गुरु रामदास गुरु अर्जन देव जी ने भी की। श्री नानक को दर्शन कीन अस बुढ़ा विच सेव परवीन ये महान अजमत भरिया हिरदा वो महान सिख ने बाबा बुढ़ा साहेब जिन्हों गुरु नानक की नज़र विच पूरा होया आख्या जा सकता है प्रवान होया आख्या जा सकता है। गाहे बगाहे दास ए जिक्र करता रहिंदा है कि दो सिख ने जो महाराज जी की नज़र विच महानता नाल प्रवान होए भावें बरकतां ते आपने चोर भूमिए वर्गे नूं भी सज्जन ठग वर्गियां नूं भी दे के निवाजिया पर ये दो सिख इहो जिहे ने जिस दिन तो गुरु नानक दे चरणा च आए फिर चरणा तो शीस नहीं उठाया। इसलिए गुरु नानक देव महाराज जी ने आप अपने महान बरकतां भरे शीस नूं भाई लहणा जी दे चरणा ते रखिया ते परिक्रमा कीती। जन दीपक ते दीप जलायो जिस तरह दीपक तो दूजा दीपक प्रज्वलित हो जाता है। प्रिंगी गुरु चंदन गुरु इतिहादक आखे जाते ने सब तो वध महत्व मान सन्मान दीपक गुरु का है जो दूजे बुझे हुए चिराग नूं अपने वर्गा प्रज्वलित कर लैंदा है। प्रिंगी सब नूं प्रिंगी नहीं बना सकता ना चंदन सब नूं चंदन बना सकता। जिहड़े गुरु मन्ने ने ना संस्कृत ग्रंथकारां ने चार तरह के चार श्रेणियां मनियां एक नूं पारस गुरु की संज्ञा देंदे ने एक नूं चंदन गुरु की संज्ञा एक नूं भृंगी गुरु की संज्ञा एक नूं दीपक चिराग गुरु करके कहिंदे ने। ये चार श्रेणियां गुरु दियां उन्हां रखियां। चंदन भी खास मौसम विच महकदा है ते खास तरह के पौद्यां नूं सुगंधित करदा है। बांस वर्गे पौद्यां नूं सुगंधित नहीं कर सकता अपने वर्गा नहीं बना सकता। भृंगी उस कीट नूं कहिंदे ने जिहड़ा बरसात होवे ते उहदे परां नूं पाणी छोवे ते पर निकल आउंदे उडारी भरदा है। फिर अगे वो जिसनों स्पर्श करता जाए उसनों अगे पर निकलते आते हैं पर सिर्फ एक खास श्रेणी के कीट पर युक्त होंगे ने सारे प्रकृति को पर नहीं दे सकता सीमित है वह दायरा।
पारस गुरु भी लोहे नू पारस सोना कहते ने बना लैंदा, एलूमीनियम नू नहीं बना सकता। तेना तिना विच्चों ही पारस किसे नू पारस नहीं बना सकता, चंदन किसे नू चंदन नहीं बना सकता, पर चिराग गुरु सब तो महान है। ये श्रेणी वो बुझे हुए दीपक नू अपने वर्गा बना सकता। त्रेते दे अवतारी पुरुष भारत दे सन्मान योग महापुरुष हनुमान दा चेहरा नैण नक्श अपने वर्गे नहीं कर सके। श्री कृष्ण अर्जुन नू अपना मोर मुकुट नहीं प्रदान कर सके। कह सकते हैं चंदन गुरु ने पारस गुरु की श्रेणी विच आ जावणगे, बड़ी वड्डी गल है, छोटी गल ये भी नहीं। पर बिल्कुल अपना आपा दूजे विच टिका देना ते आप उसनू मथा टेकना, ये जड़ा दीपक गुरु है जिमें दीपक नाल दूजा दीपक उस तरह ही लट लट करके रोशनी देन लग पैंदा। महाराज सचे पातशाह ने आप मत्था टेकिया, आप रोशनी प्रदान कीती, आप लट लट करके जलाया, प्रज्वलित कीता हिरदा पाई लैणा जी का। ते फिर आप मत्था भी टेकिया गुरु नानक ने, लैणे दी फिर आई है नानका दोही खट्टी है, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। ते नाल महाराज ने भी फरमाया ख्या बुढ़िया मैं सब कुछ ता दे दिता, गुरता गद्दी इन्हां नूं दित्ती है पर सिंघासन देण दा मैं सन्मान थानू देना, तुसी टिक्का लगाओगे ते मेरा दिता सिंघासन प्रवान होवेगा, जे तुसी टिक्का नहीं लगाओगे तो नहीं प्रवान होए। ये खेड गुरु नानक ने आदकाल विच वरता दित्ती। इसलिए गुरु साहिब जी ने अमृत वेले हुक्मनामा संगत नूं सुनाउणा हुंदा ते अपने ग्रंथी सिंह नूं वरतदे ने। ये ग्रंथी दी पदवी बाबा बुढ़ा दी है। कड़ा प्रसाद गुरु ने अपना वरताउणा हुंदा संगत विच ते सेवा ग्रंथी सिंह नूं दिंदे ने, तू वरता तू हुक्मनामा सुना, कथा अपनी है ते सुनाउण दी सेवा साडे वर्गे मामूली सेवकां नूं दे दिंदे। सिंघासन शब्द बरकत गुरु नानक दी है पर देण दा हक अपने सिख नूं दे दिंदे। ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने भी कहा बाबा जी तुसी नाल रहे हो, गुरु अंगद देव जी दे नाल रहे हो, गुरु अमरदास जी दे नाल रहे हो, ते साढ़े दादा हजूर गुरु रामदास जी दे नाल भी रहे हो। इस करके सानू वो गाथावां सुनाओ बई, वो किवें बोलदे सन किवें चलदे सन। माँ अपने बच्चे नू सुना देंदी है भी तेरे दादे दा कद काठ इहो जिहा सी, बोल चाल इहो जिहा सी, ओ हाल इस तरह वाउंदा सी। इस तरह लोग मुहल्ले विच उहदा सत्कार माण करदे सन ते दादे दी गल सुन के पोतरा जिहड़ा गौरवान्वित होंदा, गौरव महसूस करदा। उसका शरीर वधदा है ते नाल नाल बल भी वधदा है, नाल नाल भरोसा भी वधदा है, नाल नाल उसदे अंदर सच्चाई दा ते वड्याई दा जज्बा भी बनिया रहिंदा है भी मैं कोई मामूली खानदान दा नहीं हाँ, मेरा दादा बहुत तकड़ा सी, बहुत सन्मान योग सी ते बड़ा परोपकारी। इसे नूं ही महाराज बाणी च कहिंदे ने बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन,
इस लिए गुरु हरगोबिंद साहब कहते हैं महाराज बाबा बुढ़ा जी सानू वो गाथावां सुनाओ बोलते किवें गल किवें करते गुरु अमरदास चलते किवें सन सिख मत्था टेकते सन ते आशीर्वाद किवें देंदे सन किवें अकबर उन्हां दे नाल आ के ते लंगर विच बैठ के प्रसादा छकिया गुरु साहब की हाजरी विच अकबर नूं प्रसाद छकाया गया सी महाराज नाल बह के छक रहे सन ओ सानू सारा सुनाओ ते बाबा बुढ़ा साहब कहण लगे महाराज थोड़ियां ही ते गाथावां ने तुसी गुरु नानक तुसी गुरु अंगद देव तुसी गुरु अमरदास ते तुसी खुद ही ते गुरु रामदास वखरा कोई नहीं है जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिए सहस कटा में एक आकाश तुसी आप ही ते हो सब जानते हो थोड़े कोलों कुछ छुपया होया नहीं है महाराज कहन लगे हाँ जानते हैं पर मन करदे थोड़े कोलों सुनिए मैं अर्ज करा ये भी सतगुरु की विशेष प्रसन्नता बनती है जब कोई निरोल गुरु की गल सुना अपनी सियासत चलाकी विच नहीं वाड़ता कईयों नूं तो मैं देखिया वो कथा करते होणगे खिमा प्रार्थी भी हैं तो गल्लां ला ला के करनगे करदे होणगे सेवा पर चलदी होएगी राजनीति चलदा होएगा होर बड़ा कुछ सुभागे गुरसिख गुरु की सेवा विच समर्पित होंदे ने ते गुरु की गाथा प्रेम नाल सुणाउंदे जिन्हां नूं सुभाग मिलदा साहिब की निवाजिश झोली च पैंदी है बरकत झोली च पैंदी है फिर उन्हां गुरसिखां बारे क्या जा सकता है महाराज ने सन्मान भी दिता है गुरसिखां अंदर सतगुरु वरता है गुरु आप वरतदा है गुरु आप कला वरता देंदा है खेड बना देंदा है बाबा बुढ़ा जी ने सारी महाराज जी दे जामियां दी गाथा आप सुनाई आख्या गुरु नानक ने प्रेम दे भगती दे भंडारे इकट्ठे किते ते सारे नाम दे खजाने विच जमा कर दिते सेवा सफल होंदी ही तां है जे नाम जपया जाए नाम ना जपया जाए ते सेवा अभिमान बन सकती है कि मैं कीता महाराज जी ने तीन वड्डे सितंभ दसे ने किरत करनी नाम जपना ते वंड छकना नाम नूं विचकार रखिया ते किरत जिहड़ी है जे नाम ना आवे ते किरत मैली हो सकती है बेईमानी वाली किरत हो सकती किरत पाप वाली हो सकती है किरत डकैती वर्गी हो सकती है किरत दुराचार वर्गी भी हो सकती है किरत लोभ बन सकती है इसलिए नाम नाल रखिया भी किरत संतोख बनी रहे किरत अहंकार ना बने ते वंड छकना दान विच आ जाता है ते वो दान मैं करदा अभिमान ना होवे इसलिए नाम नूं विचकार रखिया सेवा किरत और सारियां शुभ चीज़ां ताई सफल ने जे नाम होवे जिवें सारे बराती ताई सुहावने ने जे लाड़ा विच होवे लाड़ा ना होवे ते कद बराती लाड़ा नाल होवे ते लाड़ी वालियां दे घर दे सामने ढोल वजदा अगले हार लैके आउंदे ने सन्मान करदे पर लाड़ा होवे ही ना ते कल्ले बराती जा के ढोल वजा के दिखा देण ना अगों की वजदा फिर पता लग जाए ये लैण ही की आए जे लाड़ा ही नहीं ते शुभ गुणा दी जंज बारात नाम रूपी लाड़े नाल ही शोभदी है
गुण जन्य लाड़े नाल सोहे परख मोहनीए लिया। तो बाबा बुढ़ा साहब दसते हैं महाराज तुसी पहले जामे च नाम का खजाना इकट्ठा किया, सारे शुभ गुणा के भंडार इस खजाने विच मिला ले। नाम जपण वालियां भी इस खजाने का रतन बनाया जाता है। कहो कबीर जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लया रलाए। पीउ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन पया निदाना। रतन लाल जाका कसु ना मोल परे भंडार अखूट अतोल। खावें खर्चें रल मिल पाई तोट न आवे वध दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लया रलाए। महाराज जी आप जी ने ही सारे खजाने गुरु अंगद साहब जी की झोली च पाए। अगों सरवण करिए आखो धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री अंगद को सौपन करे। जड़ा नाम दा खजाना है ना ये संसार ते होर किधरे नहीं। शुभ गुणा दे खजाने मिल जाणगे, करामातां दे रिद्धियां सिद्धियां दे खजाने मिल सकते ने। पर महाराज दा बचन है नाम दा जड़ा खजाना है ना वो सतगुरु ही लैके आए ने। नानक के घर केवल नाम। बस इंज समझ लो भी गुरुद्वारे आया भी वह ही सफल है जिन्हें थोड़ी देर वाहेगुरु 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 जपया, वरना पूरी सफलता नहीं। इसलिए साहब ने तो बड़े खुले बोलों च कह दिता जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। बाकी सारे काम निष्फल ने जे पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम नहीं जप रहा। कोई राम राम हरि ओम अल्लाह वाहेगुरु जपदा है उहदे सारे कार्य सफल हो जाते। वो सारे नाम दे खजाने जो गुरु नानक दरगाह तो लैके आए वो गुरु अंगद देव जी दी झोली च पा दिते। निकुठै जे ना रहै सद परे। तेरे नाम दा खजाना महाराज थोड़े घर इहो जिहा जिहड़ा कदी खाली नहीं आता ते सदा ही भरिया रहिंदा। खावें खर्चें रल मिल पाई तोट ना आवै वध दो जाई। ये सदा ही वधदा रहिंदा है। नित परत खर्चे वृद्धता लहे। नाम धन दियां बरकतां मनुख दिन प्रति दिन खर्चदा है वरतदा है। ये तरह तरह नाल मिलदियां ने। ज्ञान रूप च मिलदियां ने, संगीत रूप च मिलदियां ने, सन्मान रूप च मिलदियां ने, सुख सुविधावां दे रूप च नाम दियां बरकतां मिलदियां ने। पर जितना कोई बरकतां प्राप्त करता जाए खर्चता जाए त्यों त्यों वृद्धि होंदी जाती है वधदा जाता है। खर्चे वृद्धता लहै होर ज्यादा वृद्धि होंदी है। दारिद जन्म मरण को दहे। बार बार वड्डा जन्म मरण का जड़ा चक्कर है ओ सड़के स्वाह हो जाता है बंदा ना। दुतिये पातशाह ने ली नस। दूसरे पातशाह गुरु नानक देव जी ने जिसनु अपने गढ़ ला के अंगद अंगे खुद ते अंगे खुदा बना दिता। गुरु नानक दे कोलों सारियां बरकतां नाम दे अपार अतुल खजाने गुरु अंगद देव जी ने प्राप्त किते। राखे गुहज बिदत ने की नस। अहंकार नहीं किता छुपा के रखिया अपनी उस बरकत नू उस इनायत नू उस मैरामत नू जिसका नाम प्रभु का नाम है। ये नहीं दसिया भी साढ़े कोल
किन्ना है वंडदे गए हन किसको हित करना दिख राए। भावें जितना मर्जी कोई उन्हां दा निकटवर्ती हितू होवे उन्होंने ए अंदरला भेद नहीं खोलिया। मुख ते कहना कहूं सुना अपने मुखड़े तो अपने आप नूं गुरु नानक दा दास ही कहंदे कदी अपने आप नूं वड्डा नहीं अखवाया ते छुप के बैठ गए गुरु अंगद देव महाराज। जब श्री करतारपुरे करतार दी खेड वरती ना भाई लहना टिके गए टिक्का उन्हां दे मस्तक ते लग गया ते फिर अपने घरों महल अपने साढ़े माद खीवी जी नूं आखण लगे बई भलीए हुण मैं किधरे जा रहा हाँ पर सिखां नूं दसना नहीं मैं कित्थे चलिया। ध्यान नाल सुनना ते माता खीवी कहण लगे जम जम जाओ जरूर जाओ पर मैनू ये ना कहो भी मैं सिखां नूं ना दसा क्योंकि जदों इन्हां ने रोंदे हुए आना है ना इन्हां दे नेत्रां दे जल दे परनाले चलने ने मेरे कोल ये भेद नहीं रखिया जाना मेरे कोलों दस्या जाना मैं दस देवांगी। ते जे तुसी चाहुंदे हो ये भेद भेद बनिया रहे ते फिर बेहतर है मैनू भी दस के ना जाओ मैं भी कहांगी मैनू नहीं पता कित्थे गए। महाराज मुस्कुराए गुरु अंगद देव ते सीधा माता विराई जी दे घर विच जो रिश्ते च उन्हां दे भूआ जी लगदे ने खंडूरा बिराजे छे महीने नहीं पता चले। फिर संगतां बाबा बुढ़ा जी कोल आईयां बई गुरु नानक ने वह बुढ़िया तैंकू आख्या आहा कि असां तेरा तेरे तो ओला ना कर दे जन्म साखी दे बोल असां तेरे तो ओला ना कर दे तेनू पता होवेगा मैं किथे। ते बाबा बुढ़ा साहिब कहण लगे गुरु तो सब जगह ही है सब जगह भाल कर आए हैं चलो खंडूर साहब वेख आईए। ते उत्थे घोड़ियां ते चढ़ के बाबा बुढ़ा और महाराज जी दे कीर्तनीए ते होर संगतां नाल आ गई ते अगे माता विराई ना बाहर झाड़ू लाउंदे पए सन दरवाजे दे बाहर ते बाबा बुढ़ा जी ने पुछया क्या भूआ जी माता जी गुरु अंगद देव तुहाडे घर ने। ते माता विराई नूं भी महाराज ने कहा सी दसना नहीं किसे नूं ताला लगवा के चाबी दरवाजे दे थल्लों अपने कोल रखी हुई सी। ते माता विराई कहण लगी वी बाबा जी तुसी ये दसो भी गुरु कित्थे नहीं है ओ जगह दसो जिथे गुरु नहीं है तुसी मैनू पुछते पए हो गुरु तो सब जगह है आओ मैं मंजियां डाह देवां बैठो मैं सेवा करां मेरे वडभाग मेरे घर गुरु सिख दे रूप च आए। ते माता विराई मंजियां डाई गए चादरां विछाई गए ते बाबा बुढ़ा मुस्कुराई गए ते मुड़के अपने हत्थां नाल मंजे चुक चुक के ते दीवार नाल खड़े करन लग पए ते थले खेस विछाउण लग पए। ते माता विराई कहण लगे बाबा जी ए की कर रहे हो। बाबा बुढ़ा साहिब कहण लगे भई एक गल हैगी है भावें सब जगह गुरु साहिब है ने पर जिथे हाजर नाजर गुरु परतख होवण उथे सिख मंजियां ते नहीं बैठते जमीन ते बैठते। एक बार आखो धन गुरु अंगद देव जी महाराज। ते नाले माता विराई फिर कहण लगे भी गुरु तो सारे ही है। बाबा बुढ़ा कहण लगे साढ़े को छुपा रहे हो भावें सानू पता चल गया बई तुहानू दसण दी आग्या नहीं है पर थोड़ा मस्तक डलका मार रहा वो डलका दस दियां ने कि गुरु थोड़े घर ही क्योंकि जिन्हां कोल गुरु हुंदा है उन्हां दा मस्तक थोड़े मस्तक वर्गा थोड़े कदमां दी मस्त चाल थोड़े बोलां दी मिठास ते नजरां दा नीवापन ये बयान कर रहा है कि गुरु साहिब गुरु अंगद देव तुहाडे ही घर
अच्छा बाणी का कीर्तन करदे आ जाण। बाबा बुढ़ा जी ने कीर्तन प्रारंभ किया, आसा की वार दियां पंक्तियां गाईयां, बलिहारी गुर आपणे दिहाड़ी सदवार, जिन मानस दे देवते किए करत न लागी बार। पन चार वारी पूरे वजद नाल पूरे प्रेम नाल जदे पंक्तियां गाईयां ते दरवाजा टुटण दी आवाज आई, कड़ कड़ करके दरवाजा टुटिया ते दौड़ के गुरु अंगद देव महाराज बाबा बुढ़ा जी दे कोल आके बैठ गए ते उच्ची सुर विच अगला श्लोक अलापिया, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण होंदिया गुरबिन कोरा। माता विराई दौड़ के आए, चरना ते सिर रखिया ते रोण लग पे, गुरुदेव गुरु पातशाह मैनू चाबी पकड़ा देंदे ते मैं ताला खोल दी, इतने जोर नाल दरवाजा तोड़ना पिया है। ते गुरु अंगद देव साहब कहण लगे, भुआ जी गल ये हैगी है, जदों कोई सिख भावना नाल बाणी गाउंदा है, बाणी दी विचार करदा है, सुणाउंदा है, ते फिर भावें मैं सत तालियां विच होवां सारे ताले तोड़ के आ जाना, इन्ना समा मैनू मिलदा ही नहीं कि मैं ताले खुलवावां ते हौली हौली खुलण ते जावां। माता जी ने उन्हां दे चरणां ते सिर रख के ते अपने प्राण त्यागे। माता विराई ये सारी गाथा बाबा बुढ़ा साहब गुरु हरगोबिंद जी नूं सुना रहे ने ते महाराज अशकबार हो रहे। महाराज जी दे अपने जीवन दियां पहले जामे दियां दूजे जामे दियां गाथावां सुन के ते उन्हां दे नेत्र भी सिजल हो रहे। बड़े प्रेम वाले गुरसिखां दे मैनूं संगत च दीदार हो जांदे ने, गुरु दी गाथा सुनदिया जिन्हां दे नेत्र आबसार हो जांदे ने, नेत्रां विच जल आ जांदा है और महाराज दी तुर विचार नाल अंदर तक जुड़ जांदे। ये सारी गाथा बाबा जी ने सुनाई, महाराज नाम का खजाना प्राप्त किया, वंड दे गए, पर मुखों ये भेद किसे नाल नहीं खोलिया। पल पल बदे अधिक अधिकाई, फिर मैं देख रहा है नाम का खजाना पल पल दुगना चौगना होंदा जा रहा है। अते अपार गत लखी न जाई, इस नाम दे खजाने का पारावार कोई नहीं, इसकी गति इसकी महिमा लखी नहीं जाती। पाओ दिखाए पाओ दिखाए परम अवधूत, परम भावना परम अवधूत अवस्था दिखाउंदा है। निर्विकल्प निर्लंब सुपूत, नाम जपण वालियां दा हिरदा विकल्प रहत हो जांदा है ते होर किसे आसरे की लोड़ नहीं पैंदी ते परम पवित्र होंदा है, क्योंकि नाम का खजाना ही किसी होर आसरे नहीं टिकता, कोई इहदे विच विकल्प नहीं है ते परम पवित्र है। सिद्ध सकत ने बिद तन पावे, नाम जपण वाले हिरदे इतने सुदृढ़ हो जाते ने मजबूत हो जाते, शक्तियां उन्हां कोल होंदियां ने पर दिखाउंदे नहीं हन। परमानंद निमगन बिहावे, परमानंद विच दिन रात मगन रहिंदिआं उन्हां दा जीवन गुजरदा है। अंतरगति अखंड समाधि, हिरदे विच असीं देखिआ भावें गुरु अंगद दे महाराज लंगर विच भी आ जांदे, दीवान विच भी बैठदे, होर कईआं सेवावां विच नाल चले जांदे, पर अंदर समाधि लगी रहिंदी, ध्यान नाम विच ही रहिंदा। एक रस पुन न पाप बियाद, ना उन्हां ते कोई पुन पाप दा असर, ना कोई आदि ब्यादी दा असर, एक रस सदा ही रहे। अजर जरन गत अस दिखराई, अजर वस्तु नूं किवें जरिया जांदा है हालत महाराज जी ने दिखाई है। भविख न किसूं पाई, इतनी वड्डी अजर अवस्था नूं जरन दी बरकत ताकत समर्था भूतकाल विच वर्तमान काल विच ते भविष्य काल विच होर किसे नूं नहीं मिली,
जो गुरु अंगद देव जी नू मिली है। सतगुर के घर बिना नयान, गुरु पातशाह जी दे घर विच नाम तो बिना होर कुछ। सुनी नहेरी कितहुं जहान, नाम तो बिना होर कोई बरकत दिखाई नहीं पैंदी। ते नाम दी बरकत होर किते ना असी सुनी है ना देखी है। अजर सतगुर जरन गत अस दिखराई, इस तरह दे नाल अजर जरन दी महान जुगत महाराज जी ने दिखाई है। भूत भविख न किस हो पाई, भविष्य ते वर्तमान च आप जी तो बिना किसे कोल नहीं है। सतगुर के घर बिना नयान, ए गुरु साहब जी तो बिना और किसे दे घर नहीं है। सुनी नहेरी कितहु जहान, इस तरह गुरु अमरदास महाराज जी तीजे थां आए। सकल खजाने तिन को दीन, अमरदास सतगुरु परवीन ते श्री गुरु अंगद देव महाराज ने ओ नाम दे बरकतां दे सारे खजाने गुरु अमरदास जी नूं दे दिते। लेकर नाम भगत भंडार, भगती दे नाम दे भंडारे प्राप्त करके गुरु अमरदास जी ने जिन गुणे अंत न पारावार, जिन्हां दे गुणा दा कोई अंत नहीं है कोई पारावार नहीं है। गुरु अमरदास महाराज सतगुरु ने तां पहले दिन ही दे दिता सी आ पुरखा साडे नाल मंजी बैठ, ते मंजी मिलन दे बावजूद भी 12 साल मंजी दे लागे नहीं गए ते सेवा करते रहे। ते कठिन तो कठिन सारा दिन लगातार जाग के सेवा करते रहे। ते 12 सालों बाद फिर महाराज जी ने प्रतख तौर ते मंजी ते विराजमान करा दिता। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਈਆਂ। ਤਿਨੋਂ ਨਵੀਨ ਜੁਗਤ ਦਿਖ ਬਿਦਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਨ ਜੁਗਤ ਪਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ। ਨਵੀਨ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਆਏ ਸਰੰਜ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਭ ਕੋ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌ ਨਿਧਿ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਦੀਨ ਮਹਾਨ, ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਤਨ ਦੂਹੂੰ ਹੱਥ ਲੁਟਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਨਾਗਤ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਓ, ਦੋਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਨਾਗਤ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਵਿਦਸਨ ਮੈਂ ਪਸਰਾਇਓ, ਚੋਰਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਕੈ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੇਤਰ ਸਹਿਜਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਤਖ਼ਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ 75 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 57 ਕਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਕਤਵ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ।
जथेदार अवतार सिंह जी हित वो आप जी तो मुखातब होंगे। उस तो पहला दो मिनट हर रोज की तरह महामंत्र गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी की फतेह। तख्त साहब जी दिया गुरु पातशाह वालों नवाजियां हुई शख्सियत उन्होंने नाल हैं। सरदार इंद्रजीत सिंह जी टाटा नगर तो मीत प्रधान धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन सरदार लखविंदर सिंह जी सरदार जगजीत सिंह जी सोही भाई हरबंस सिंह जी खनूजा भाई सुदीप सिंह जी मीडिया इंचार्ज और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सरदार जगजीत सिंह जी सारिया वड्डिया शख्सियत बिहार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सेवादार भाई साहब भाई नलवा जी जिन्हों महाराज ने बहुत प्रेम नाल नवाजिया सब गुरु नवाजिया शख्सियत संगत हूँ ट्रेना आम वांगू आ रही हैं ते संगत भी आने लग पे हैं। जलंधर कंट तो सारा परिवार आके गुरमुख प्यारे बैठे हुए आप हूँ माननीय जथेदार हित साहब तो गुरु विचार सरवण करो। पुलां चुकां दी खिमा कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज समूह संगतां दियां हाजरियां प्रवान करो दरों करो। सिखी नामदान चढ़दी कला हर प्रकार दियां बरकतां नाल निवाजो। जो जी आप जी के घर आवे सो राजी जावे सुख होवे नाम चित्ते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत का भला। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।